बैक टू माईट्यूब चैनल इट्स मी आशिका शतीजा सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स एक्चुअली में होते क्या है हम लोग फोर फिट कब करते हैं शेयर्स को कैसे कैसे करते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज देखी थी और उसका एक क्वेश्चन देखा आज मैं आपको कराने वाली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जिसमें हमारा फोर फीचर भी कवर होगा कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स ठीक है ओवर सब्सक्रिप्शन केस ठीक है सब चीज़ें कवर होगी सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे वीडियो देखना, को देखना एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना और सो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना उसके बाद ही आप इस आंसर को सॉल्व कर पाओगे ठीक है सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड एक कंट्री सॉरी ग्रीन लिमिटेड एक कंपनी है और उसका जो ऑथोराइज कैपिटल है वो बीस लाख का है जिसमें हर शेयर की वैल्यू जो है वो टेन रुपीज़ है अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है

इसके बाद लिखा हुआ है इसमें हम लोग दो रूपए अलॉटमेंट के टाइम पे एक रुपए हम लोग फर्स्ट कॉल के टाइम पे और एक रुपए हम लोग सेकंड कॉल के टाइम पे मंगवाए थे ठीक है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर अब इन एटी में से ठीक है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के शेयर्स जो हैं उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स के रुपीज़ जो है पे किए जैसे कि एट्टी थाउजेंड में से सिक्सटी थाउजेंड ने सारे कॉल्स पेड किए एटी थाउजेंड में से ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स जो है उन लोगों ने खाली फोर रुपीज़ कॉल डप सॉरी फोर नहीं हाँ फोर रुपीज़ ही पे किए ठीक है एट्टी थाउजेंड में से फाइव थाउजेंड शेयर जो होल्ड करता था उन लोगों ने थ्री रुपीज पे किए एंड एटी थाउजेंड में से ही ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर जो होल्ड करा था उन लोगों ने दो रुपए पे किए ठीक है द कंपनी फोरफिटेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्विटी शेयर्स कंपनी ने सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स को जो है फोरफिट कर दिया ऑन विच लेस दैन रुपीज फोर पर इक्विटी शेयर हैज़ बीन पेड यानी कि कौन से शेयर्स को इन लोगों ने फोरफिट किया जिसमें से चार रुपए से भी कम जिन्होंने मनी पे किए उनके शेयर्स को इन लोगों ने क्या कर दिया है फोरफिट कर दिया है चार रुपए से कम यानी कि थ्री और टू इन दोनों को मिला के इन लोगों ने क्या कर दिया फोर फिट कर दिया ठीक है इसके बाद क्या लिखा हुआ है पास जैसा जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट सो यहाँ पे हम लोग को शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है यानी कि यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पे हमारा कॉल्स एंड एडियर्स केस भी इंक्लूडेड है ठीक है तो स्टार्ट कर दे सिंपली हमारे फर्स्ट जर्नल एंट्री के साथ पहले हम लोग ये बिल्डिंग को खत्म कर लेते हैं ठीक है तो बिल्डिंग हम लोगों ने ली है सो बिल्डिंग अकाउंट कर देंगे हम लोग डेबिट टू वेंडर अकाउंट ठीक है ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्सटी थाउजेंड के हम लोगों ने बिल्डिंग परचेस किया यानी कि हम लोगों ने सॉरी सिक्सटी थाउजेंड की नहीं सिक्सटी थाउजेंड शेयर इशू किए जिसमें से हर शेयर की वैल्यू क्या है टेन रुपीज है तो हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज की होगी सिक्स लैख की सिक्सटी थाउजेंड इंटू टेन इज सिक्स लैख ठीक है अब रिसीवर कौन है हमारा वेंडर है उसको हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं सो वेंडर अकाउंट डेबिट डू वॉट गोज आउट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है, सिक्स लैख वाई सेम अमाउंट ठीक है Dead. अब हम लोग आते हैं हम लोगों ने जब शेयर्स किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए एटी थाउजेंड शेयर हम लोगों ने इश्यू किए थे सो so, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने एटी थाउजेंड को इशू किए थे एटी थाउजेंड इंटू टू एप्लीकेशन पे मिलेंगे ठीक है सो एटी थाउजेंड इंटू टू इज वन लाख सिक्सटी थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड फोर्थ शेयर एप्लीकेशन की मनी हम लोगों को कहा ट्रांसफर करनी होती है शेयर कैपिटल में तो बस सिंपल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है वन लैख सिक्सटी का वन लैख सिक्सटी जाएगा ठीक है फिफ्थ अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट जब हम लोग कॉल करते हैं वन रुपीज कॉल्ड अप करना है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एटी थाउजेंड इंटू वन इज एटी थाउजेंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एटी थाउजेंड ठीक है उसके बाद हम लोगों को इसकी मनी मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है यहां से हमारा जो ट्वेस्ट है वो चालू होता है देखो जिन्होंने भी दो रुपए पे किए हैं ठीक है दो रुपए किसके ही पे किए होंगे एप्लीकेशन के ही पे किए होंगे ठीक है बाकी और उसने कुछ भी नहीं किया पे किया ना अलॉटमेंट पे किया है ना फर्स्ट कॉल पे किया ना, है ना सेकंड कॉल पे किया है ठीक है बात करता है थ्री रुपीज़ वालों की तो उन लोगों ने दो रुपये एप्लीकेशन एक रुपए अलॉटमेंट बात करता है फोर रुपीज़ वालों ने उन्होंने दो रुपये एप्लीकेशन एक रुपये अलॉटमेंट एक रुपये फाइनल फर्स्ट कॉल ठीक है तो अगर हम लोग खाली अलॉटमेंट पे यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अलॉटमेंट की कितने लोगों ने नहीं पे की होगी जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर्स को होल्ड कर रहा है उन्होंने ही अलॉटमेंट की मनी नहीं पे की होगी ओके सो बाकी इसने तो पे किया इसने भी पे किया और इसने तो सारा ही अमाउंट पे किया ठीक है सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो है हम लोगों को नहीं मिला ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इन वन इज

एटी थाउजेंड ठीक है आपको फुल फॉर्म लिखना है मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म लिखा है एटथ वाले में क्या करना है हम लोगों को शेयर कैपिट हम लोगों को कितनी मनी मिलेगी वो देखते हैं ठीक है सो so, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ठीक है बैंक में हम लोग को कितना मिलेगा एक तो पच्चीस सौ वालों ने नहीं दिया होगा और दूसरा किसने है पाँच हजार वालों ने नहीं दिया होगा क्योंकि ये लोग भी खाली अलॉटमेंट पे करके रुक गया ठीक है दो रुपए इसके और एक रुपए इसके इन लोगों ने टोटल तीन रुपये ही पे किया तो एक तो इसने नहीं पे किया होगा और एक इसने नहीं पे किया होगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इसने नहीं पे किया सफाई थाउजेंड वालों ने भी नहीं पे किया यानी कि टोटल सेवेंटी फाइव हंड्रेड शेयर्स जो होल्ड कर रहे थे ठीक है दोनों ने नहीं पे किया एक रुपया नहीं पे किया ठीक है सो सेवेंटी फाइव हंड्रेड वन इज सेवेंटी फाइव हंड्रेड नहीं मिलेगा सो एटी थाउजेंड में सेवेंटी फाइव हंड्रेड माइनस कर दोगे तो आ जाएगा सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड ठीक है इसके बाद आते हम लोग नाइन्थ वाले पे यहाँ पे हम लोग कॉल अप करेंगे सेकेंड कॉल सॉरी हाँ सेकेंड कॉल इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट इसमें भी एटी थाउजेंड इंटू वन इज एटी थाउजेंड टू शेयर कैपिटल एटी थाउजेंड ठीक है टेंथ वाले में भी इसमें क्या है हम लोगों को बैंक अमाउंट देखना है सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल देखो अब इसमें दो रुपये वालों ने भी नहीं पे किया हुआ जिसने खाली दो रुपये पे किया वो तो एप्लीकेशन देखे रुक गया जिसने खाली तीन रुपये पे किया उन लोगों ने अलॉटमेंट दिया है खाली और जिसने खाली चार रुपये पे किए उसने खाली फर्स्ट कॉल तक पे किया ठीक है यानी कि सेकंड कॉल जो है इन तीनों ने नहीं पे किया होगा ठीक है सेकेंड कॉल इन तीनों ने नहीं पे किया होगा ठीक है सो ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी थाउजेंड शेयर जो है जिसमें हर शेयर की वैल्यू वन रुपीज़ है हम लोगों को टोटल ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सेकंड कॉल uh, के टाइम पे नहीं मिल रहा है सो so, बैंक के अंदर अमाउंट आएगा ठीक है सो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज जो है कंप्लीट हो गई अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फोर फीचर की जर्नल एंट्री मेन जर्नल एंट्री देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था कि हम लोगों ने 7500 शेयर्स जो कि चार रुपए से भी कम अमाउंट पे कर रहे हैं उनके शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट कर दिया चार रुपए से कम अमाउंट खाली ये दोनों पे कर रहे हैं तो हम लोगों ने फाइव फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इन दोनों के अमाउंट जो है उनको इन दोनों के शेयर्स जो हम लोगों ने फोरफिट कर दिए तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग अमाउंट लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर ठीक है टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है फाइव रूपीज ठीक है तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू फाइव तो यहां पे आएगा अमाउंट थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड अब आते हैं हम लोग फोर फीचर कितना पैसा हम लोगों को मिल गया ठीक है सौ वालों ने दो रुपए पे किया पच्चीस सौ वालों ने दो रुपए और पांच हजार वालों ने तीन रुपए पे किए ठीक है सो ट्वेंटी को इसके मिल रहे थ्री थाउजेंड हम लोगों को इसके मिल रहा है ठीक है सो टोटल हम लोगों को कितना मिल रहा है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज हम लोगों को मिल रहा है इन दोनों से ठीक है इसने दो रुपए पे किए तो ट्वेंटी इसने रुपए पे पे तो into 3 is दोनों का किया हम हम लोग लोग को के के अंदर के अंदर लिखना है है ठीक so, लिख देंगे अलॉटमेंट किसने नहीं पे किया ट्वेंटी ने ही खाली अलॉटमेंट नहीं पे किया इसने पे किया हुआ है ठीक है सो ट्वेंटी की मनी थी वन रुपीज तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 का 2500 into 1 is 25, उसके बाद हम लोग अब बाकी जो भी कॉल्स है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों ने नहीं नहीं पे किए ठीक है सो ट्वेंटी फाइव प्लस 5000 ठीक है, so, है? कितना होता है 7500 7500 वालों ने फर्स्ट कॉल की जो वन रुपीज़ की वैल्यू थी 7500 शेयर्स पे हम लोग को नहीं मिली तो 7500 फाइव हंड्रेड इन वन एज सिमिलरली सेकेंड कॉल पर भी दोनों ने नहीं पे किए तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू वन तो यहाँ पर हमारी फोर फीचर की जनरल एंट्री खत्म अब हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारा कितना आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर ओके सो यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर यहां पे आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहां पे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड ये बैलेंस शीट है ओके okay? एंड यहां पे लिख देंगे हम लोग शेयर कैपिटल का अमाउंट ठीक है यहां पे आ जाएगा नोट नंबर एंड यहां पे आ जाएगा अमाउंट दैट्स इट ठीक है यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका अमाउंट कैसे निकालना है वो देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स करके सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कौन सी चीज़ लिखते हैं हमेशा ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू थी बीस लाख यानी कि टोटल हमारे पास कितने शेयर्स होंगे दो लाख ठीक है वैल्यू बीस लाख थी हर शेयर की वैल्यू टेन रुपीज़ थी तो ट्वेंटी लाख डिवाइड बाई टेन इज टू लैख ठीक है सो यहाँ पे आ जाएगा टू लैख रेट ऑफ रुपीज टेन आ जाएगा ट्वेंटी लाख ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारा इश्यू कितने किया इश्यू एक्चुअली में हम लोगों ने कितने किए एटी थाउजेंड हमारे शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए और सिक्सटी थाउजेंड बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए सो एटी प्लस सिक्सटी वन लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है सो हम लोगों ने टोटल वन लाख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स को इशू किया एट द रेट ऑफ टेन रुपीज़ ओके ठीक है okay? थर्ड चीज़ पे आते हैं हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली अप यानी कि हम लोगों ने शेयर्स उन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब भी किया है और सारा का सारा अमाउंट पे भी किया है वो खाली एक ही है वो है सिक्सटी थाउजेंड इन्होंने सारा का सारा अमाउंट जो है सब्सक्राइब भी किया है एंड पे भी किया ठीक है।, है अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप के अंदर वही चीज आएगी जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा अमाउंट कॉल्डअप कर लिया है तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ था सिक्सटी थाउजेंड शेयर पे हम लोगों को फुल अमाउंट वॉज रिव्ड फुल अमाउंट यानी कि इसमें हमारी कॉल्ड अप मनी इज प्लस जो हमारे कॉल्ड अप नहीं किए हुए वो भी रिसीव हो गए तो हम लोग को टोटल टेन रुपीज की मनी पूरी मिल गई तो इसलिए हम लोग उसको सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप में लिख रहे हैं ठीक है तो थर्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड पेडअप सिक्स सॉरी सिक्सटी थाउजेंड के शेयर्स थे एट द रेट ऑफ रुपीज यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट सिक्स लाख ओके इसके बाद आता है हमारा फोर्थ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप अब, अब यहां पे अगर आपको देखना हो तो एक चीज देखना फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यानी कि इन दोनों शेयर्स को तो हम लोगों ने फोर कर दिया तो अब हम लोगों को इसका कोई भी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट लिखने का बैलेंस शीट के अंदर कोई भी यूज नहीं है ठीक है क्योंकि ये शेयर्स तो हम लोगों ने कर दिए फोर ठीक है अब बात करते हैं हम लोग इन शेयर्स की तो टोटल हमारे पास है सिक्सटी थाउजेंड इसके ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके यानी कि टोटल कितने सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड शेयर्स जो है हमारे पास यहाँ पे हैं ठीक है सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड शेयर्स एट द रेट ऑफ टेन जिसमें से हम लोगों ने कितना कॉल्ड अप किया फाइव कॉल्ड अप किया ठीक है यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप के अंदर हम लोग एक्चुअली में अमाउंट बताते हैं कि हम लोगों ने पाँच रुपए ही कॉल्डअप किया ठीक है सब्सक्राइबर फुली पेडअप के अंदर खाली पांच रुपये कॉल अप कि इसलिए हम लोगों ने सिक्सटी थाउजेंड को भी लिया और ट्वेल्ल थाउजेंड फाइव हंड्रेड को भी लिया ठीक है तो सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू फाइव करोगे तो थ्री लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड आएगा उसमें से आप लेस कर देना कॉल्स इन एरियर्स कहाँ पे हुए थे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाले जो शेयर्स थे ना इनमें से सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड में से जो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाले लोगों ने खाली चार रुपए ही पे किए पांच रुपये कॉल अप किए थे खाली चार रुपए पे किए यानी कि वन रुपीज़ उन लोगों ने कॉल सॉरी पे नहीं किए ठीक है सो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन यहाँ पे आप इसमें से माइनस कर दोगे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आएगा थ्री फिफ्टी थाउजेंड ठीक है थ्री फिफ्टी थाउजेंड हमारे पास आएगा फुल्ली पेड अप के अंदर इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे विच इज फोर शेयर्स ठीक है यहां पे जब भी हमारे शेयर्स जो है फोरफिट हो जाए प्लस हम लोगों ने उसको री इशू भी नहीं किए अगर हम लोग उसको रीइश्यू कर देते तो हम लोग उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते बट हम लोगों ने फोरफिट कर दिए बट रीइू नहीं किए तो हम लोग क्या करेंगे जो भी हमारा हम शेयर फोर फीचर के अंदर हम लोगों ने अमाउंट लिखा था कितना लिखा था शेयर फोर फीचर के अंदर अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड हम लोगों ने अमाउंट लिखा था क्योंकि हम लोग को पांच हजार इसके टाइम पे मिले थे पंद्रह हजार इसके टाइम पे मिले थे तो फोर फीचर के अंदर जो बीस हजार का अमाउंट लिखा होता है ना उसके अंदर यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे तो थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड हम लोगों का फुल्ली पेड अप के अंदर अमाउंट आएगा ठीक है क्योंकि तो देखो ये भी भले हम लोगों ने शेयर्स को फोरफिट कर दिया लेकिन अभी तक इसको हम लोगों ने री इश्यू नहीं किया है तो इसमें भी जो अमाउंट हम लोगों को मिला होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट है कंप्लीट होती है सिक्स लैख ,00 सब्सक्राइब फुल्ली पेडअप का मिला हम लोगों को प्लस थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड सब्सक्राइड अप नॉट फुली पेडअप तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारे शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड ओके से शीट समझा देती हूँ ऑथराइज पता है आपको इशू पता है ठीक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली अप के अंदर जो भी अमाउंट हम लोगों ने फुल्ली मिला हो हम लोगों को पूरा पूरा कॉल भी कर गया हो पूरा फुल मिल भी गया हो ठीक है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ठीक है एक्चुअली में यहाँ पे हम लोगों ने खाली पाँच रुपये कॉल डप किए लेकिन यहाँ पे इसने पूरा अमाउंट दे दिया है हम लोग को पूरे के पूरे दस रुपये दे दिया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद से मैंशन था तो इसलिए हम लोगों ने उसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप के अंदर लिखा फोर्थ चीज़ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर हम लोगों ने इन दोनों शेयर्स को लिया इन दोनों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनको हम लोगों ने फोरफिट कर दिया अगर फोरफिट नहीं करते तो इसको भी इंक्लूड करते ठीक है अब इन दोनों शेयर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है जिसमें से इसने तो पूरे पे कर दिए ंड्रेड वालों ने एक रुपए नहीं पे किया तो 72,500 टू किया, क्योंकि हंड्रेड इन टू फाइव किया ठीक है? सब्सक्राइबर कॉल्ड अप्राइबर फुली पेडअप के अंदर वही अमाउंट लिखते हैं जो हम लोगों ने अप किया ठीक है तो खाली पांच रुपए कॉलअप किया इसलिए हम लोगों ने सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड को फाइव से मल्टीप्लाई किया लेस कर दिया कॉल्स इन एरियर्सेल थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन रुपीज पे नहीं किए ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दिया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड अब यहाँ पे इन शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट कर दिया था बट री इशू नहीं किया था इसलिए हम लोगों ने इसकी जो शेयर फोर फीचर अमाउंट वाली जो हम लोग को पैसा मिला है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड इससे भी तो मिला है ना तो इसलिए हम लोग जब भी अगर री इशू नहीं करता है लेकिन फोर कर लेता है तो हम लोगों ने जो फोर फीचर के अंदर अमाउंट मिला है यानी कि शेयर्स के थ्रू जो अमाउंट मिला है विच इज ट्वेंटी थाउजेंड वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे ठीक है जो कि आएगा थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है सिक्स लैख हम लोग को फुल्ली पेडअप से मिला थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड नॉट फुली पेडअप से मिला इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मीट यू द नेक्स्ट वीडियो बाय